ए तत्व जिज्ञासा करने पड़े बाहि तुम ये गोटे धंदा ही तुम समस्त कार्य तत्व जिज्ञासा उपरे आधारित हवा उचित तेणु जिते बड़े युधिष्ठिर महाराज उत्तर दे सुखी के प्रश्न धर्म कर तांकर जो उत्तर ताई तत्व में बुझाक पड़ो नापाद विचार बुझे तुम भूल हो से कहले दिवस अष्टम ताने दिन जाक खट शेष पर आसिक शाग पखा जो दीटा खाऊला निज परिश्रम फल एवं अप्रवासी अंदुणी च बारी चरम से सुखी अप्रवासी अंदुणी प्रवास ना साधारण लोक बुझ हाँ ता भिटा मटी अच्छे से पला खंडे मारे रही कुड़िया खंडे कर ऋण करना जहाँ रोजगार कला तार परिश्रमलब्ध धन से अर्जन करुच्चे से सुखी या को साधारण लोक या बुझे ना आउ कौन बुझे ना आप किसी बुझे जब मत कहतु ए आई तो बुझे तेल आमर ये प्रश्न आसूची अच्छा है जन अप्रवासी जन अंदरूणी होश्रम करते खाऊ युधिष्ठिर महाराज अप्रवासी अंदरूणी कथा कहले कि अरोगी कथा तो कही ना ये सब सत्य शूल रोग थाए तार सुखी कमी हम हम ओहो बड़ कौन सी हूँ कौन कहते कलिक पेन कौन कहते स्वयं दास गैस्ट्रिक होगा अप्रवासी प्रवासी नुहति अप्रवासी अरुणी अंदरूणी होती किंतु आड़े षोल रोग षोल व्याधि अच्छी तो सुखी पारे ना मूल जंतुणा है जन कह आ रही सत कथा तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर ठीक है असंपूर्ण निश्चय असंपूर्ण बोले कह असंपूर्ण नुहे इज नॉट कंप्लीट आंसर युधिष्ठिर महाराज जने महाजन से जने प्रधान भक्त आ धर्म पकड़ी तांकर जो आंसर देले प्रश्न से संतुष्ट हो गले ना जदि से इनकम्प्लीट होता संतुष्ट हो ना धर्म कथा संतुष्ट हेले कि ना ना इज कंप्लीट आंसर किंतु आम विचार किसी भूल रही जा कहीं आम जहाँ बुझुचे आपात विचार ता तत्व विचार नुहे ना ना यार अन्य विचार अच्छी ता नथा भूल हो असंपूर्ण हो युधिष्ठिर महाराज मान पूरा कथा कही ना रोगे सत कथा जो रोग अच्छे किए शूल रोग तो किए हम अप्रवासी अंदी हेले सुधाए ना युधिष्ठिर महाराज ठिकना कथा कही किसी बेठी कथा कही ना इट्स कम्प्लीट आंसर आमर बुझार भूल अच्छे प्रकृत पाखे अप्रवासी अंदरूणी के दैट टू बी अंडरस्टूड सीटा बुझे बुझे तुम्हें कौन प्रवासी ना अप्रवासी हय सचिन अप्रवासी नुह तुम प्रवास अच ना तुम भिटामाटी कौट गि देख देख ये ठीक कथा कहले घर गोलक वृंदावन आम गुरु महाराज मध्य खूब जोरे कहते गो बैक होम अरे घर को फेर कथा सीट रही आम प्रकृत घर नाम आम प्रकृत प्रवासी आम अप्रवासी ही नु आता कहीं गो बैक होम कह घर को फेर आम घर इटा नुह सत कथा जीवर गृह इटा नुह इटा बौद्ध जीवर कारागार इटा बंदीशाला बंदीशाला कौन का बासघर न कि नुह दिस इज प्रिजन हाउस कंडीशन सोर्स बौद्ध जीवर कारागार आम कारागारे अच्छे आईटा कि घर पे आम कही पारा ना कहवा जदि श्वासरुद्ध हो हूँ भगवत धाम आम प्रकृत घर मम्मी मांस जीव लो किए जीव हूत सनातन सेठी रहिले आमे हवा अप्रवासी सेठ न रहिले त आमे अप्रवासी नु आ जेलखाना रे अछे आ दंड पाइवा नै आसु कि ई कथाटा सेठी रहिला आ अंगरुणी इटा कथाटा पुनी कथा रहले जण कह मु जमा पैसा टे ऋण करिनी जारु जे को जिबेस करसै को छै से कोन प्रकृत रे अंगरुणी ते ऋणी जी
देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण जन्म हला मात्रे समस्त को धरचे ए ऋण रे समस्त ऋणी अछंछ ए ऋण रु केहि मुक्त नहंछ सदि भाई श्रीमद् भागवतम कहंती दे देवर्षि भूतात्त ऋणाम पितृणाम मा न किंकर नायं ऋणी च राजन सर्वात्मने जो शरणं शरण्यं गतं गुणं परिहूर्त करतं ई कथा कहले देव ऋषि भूत आप्त पितृमातृ ऋण ये सब ऋण गुडा कहिछ देव ऋण ऋषि ऋण भूत ऋण आप्त ऋण पितृमातृ ऋण ए ऋण रे समस्त ऋणी जन्म हला किणी तुम ऋणी ए ऋण रे ऋणी हेच देवता मान सूर्य देवता वायु देवता ए माने इंद्र देवता आमर जहाँ आवश्यक बचा दौंस से सूर्य देवता आलोक किरण दौंस उत्ताप दौंस वायु देवता वायु दौंस इंद्र देवता वर्षा करके जल दौं तेणु आम ऋणी ता ना बची पार आम ऋणी निश्चय देव ऋण ऋषि ऋण अच्छी साधु सन्त मुनि ऋषि ऋण के सुंदर उपदेश आमको दौरान कृपा करम पाखे आँचे आम घर को घर को जाऊँ गृहस्थ गृह को जाती कृष्ण चेतना कथा कहवापी पेट प्रकृत साधु जाए ना रुटी खंडे मागे तार कार्य ना जाऊ तार घर आम कौच महांत स्वभाव ही तारीते पाम तेनाली आम ऋणी निश्चय देव ऋण ऋषि ऋण जीव जगत पाखे ऋणी आम जीव जगत उपरे नाना भाव निर्भरशील हो जाए भूत ऋण आप्त बंधु बांधव पड़सा जहाँ कहते नेबर एम सा ऋणी पितृमातृ पितामाता जन्म दे लालन पालन करत्न नौकर निश्चय ऋणी आम ना साधारण भी कथा अच्छी आम जो पिला सब पलि आस घर दार छाई बामा कर आम ऋण सुझिलु ना आग तू कड़े पलि जाऊ आम ऋण सुझी सारे जा कथा कहले आम पाखे ऋणी अच्छे सत कथा ऋण कमी सुधा हम गोटे आम से आपात विचार भी अच्छी ऋणत्रय सजीवे करतन आम कथा अच्छी महाजन गीत लिखी तुम्हें ऋणत्रय सजीवे जतन करा देव ऋण ऋषि ऋण पितृमात ऋण सजीवार साधारण उपाय दिखती कौन ना वेदाध्ययन कर वेदाध्ययन जो कर पुत्र जात है से वेदाध्ययन कर वेदाध्ययन कले जा ऋषि ऋण सुझीब देव तार आराधना कर देवयज्ञ आदि कर देवता ऋण तुम्हें सुझीब देवता सन्तुष्ट कर देवता मान तुमको दौरान देवता तेनालीराम तुमको देवाई पड़ो देव ऋण सुझीब पितृमात्र ऋण सुझीब कौन ना विवाह कर पुत्र उत्पादन करिंड दब वंश रक्षा कर पितृमात ऋण सुझल तुम्हें ये जो न कर ऋण ऋणी हो गलि बुझिपारना ये ये उपाय कहते तुम तुम ताना तुम घर चार पल तुम ऋणी हो भागवत कहले संपूर्ण निरपेक्ष शास्त्र हाँ देवर्षि भूतात्त नाम पितृणाम न किंकर नायं ऋणी च राजन सर्वात्मने जो शरण शरण्यं गतं गुणं परिहूर्त करतं ए ऋण परिशोध हो सर्वात्मने जो शरण शरण्यं गतं गुणं परिहूर्त करतं सर्वांतकरण रे मुकुंद पदारविंद रे जे शरण प्रपन्न होगला मुकुंद सेवारे सर्वांतकरण रे प्रपन्न होकर मुकुंद सेवारे प्रामाणिक गुरुंकर अनुगत्य निजुक्त होगला तहार समस्त ऋण पैठ होगला देव